लोकसभा चुनाव में सफलता, कसर कुछ एक बाकी, तो 2025 का विधानसभा चुनाव के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक है कि घटक दलों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं साथ ही साथ शीर्ष नेतृत्व एवं विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, माननीय सांसदगण, ये तमाम लोगों की उपस्थिति में हमारी उम्मीद है कि एनडीए की यह विस्तारित बैठक साझा रणनीति, साझा बुनियाद और एक पारिवारिक एनडीए का वातावरण बनाकर कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर संवाद कैसे कायम हो और अपने विकास और उपलब्धियों को जनता की अदालत में ले जाकर उनसे 2025 में के चुनाव के लिए गुजारिश करना, ये हमारा एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। कितना आप लोग का आगे में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो लक्ष्य रखा जाएगा टारगेट? यहाँ विपक्ष का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ तो भाई राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और उसको 4 सीट आ रहा है, तो जब 4 सीट पर लोकसभा में लॉक हो गए तो विधानसभा में तो और दुर्गति होने वाला है। अच्छा, ये कल साहबुद्दीन जी के बेटे हैं वो ओसामा और उनकी पत्नी है, वो आरजेडी में शामिल हुआ है, ये कैसा राजद का फितरत है कि साहबुद्दीन के मैयत में तो नहीं जाते, उससे दूरी बना लेते हैं, उनके परिजनों से दूरी बना लेते हैं, जबकि लंबे अरसे तक इनकी पार्टी में वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में और नेता के रूप में अपनी भूमिका अदा किया। और जब विधानसभा उपचुनाव में संभावित हार के मद्देनज़र इनको चिंता सताने लगी, उनके परिजनों को, हालांकि उनका आंतरिक मामला है, उन्होंने दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन सवाल तो यह जरूर होगा कि जो लंबे अरसे तक आपका आपके साथ रहे, आपने उनके परिवार के घर जाना भी आप दुश्वार समझते थे, लेकिन राजनीति का बदलता दौर है। अब वो जाने ना भाई, वहाँ तो बहुत तरह का नियम है। पटना के बेउर जेल से कोडरमा पहुँचाया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो कौन किस क्राइटेरिया में आएंगे ये तो राजद का प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। लेकिन आरजेडी के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपके पार्टी में भी कई लोग हैं जिन पर मामला दर्ज है, कई लोग नहीं, मामला दर्ज होना अलग चीज़ है, लेकिन अपने साथ रहने वाले का मैयत में नहीं जाना, वो बीमारी की अवस्था में हालचाल नहीं लेना, उनके घर नहीं जाना। जो आदमी लंबे समय तक लालू जी के साथ राजनीति का सफर तय किया और वैसे व्यक्ति को पहचानने से भी इनकार कर देना, यह तो सब जो गौरतलब है। अच्छा, ये इंडियन क्रिकेटर ईशान किशन, उनके पिता कल आप लोग के पार्टी में शामिल हो, क्या लगता है कहने वाले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर हैं, तो स्वाभाविक है उनसे प्रेरणा के आधार पर बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत है जो पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं, राजनीति की भीड़ में अलग है। तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ईशान, उनके पिता को लगा कि नीतीश कुमार जी एक बेहतर नेतृत्व करता है, तो उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कोलकाता में अमित शाह ने कहा है कि राहुल बाबा उनकी कंपनी जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, वो दिन में सपने देखते कि बीजेपी ने चुनाव जीता, कैसे जीता चुनाव, राहुल बाबा को बताना चाहिए कि चुनाव हारते हैं तो विपक्ष बैठता है और जीतते हैं तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी करते हैं, और बीजेपी का अगला लक्ष्य 2026 में पश्चिम बंगाल में सरकार। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो अपना मंतव्य दिया है कोलकाता में, तो ये तो उनका आधिकारिक मंतव्य है। तो हर एक राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है कि हम अपने पार्टी के संगठन की बुनियाद पर सरकार का निर्माण करें, और पश्चिम बंगाल जिस अराजकता की ओर बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से जनता के बीच एक ऐसा संदेश जा रहा है कि सत्ता का बैताल माथा पर चढ़ गया है। तो इसीलिए महिला चिकित्सक के साथ जो दुखद घटना हुई और जिस दरंग की हठधर्मिता राजनीति में पेश किया गया, ये अपने आप में एक उदाहरण है।